अस्सलाम वालेकुम मौजूद साथे कराम, आज हमने मूवर्स में जो बच्चों को लव हर्फ पढ़ाया वो है बड़ी ए। अलिफ ए खत्म हो गई, इसका आखिरी हर्फ है बड़ी ए। बड़ी ए से दो तरीकों से अल्फाज बनते हैं, एक तो हमें जब जमा बनाना हो तब हम बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि जब हमने फिक्रे का या जुमले का इख्तिताम करना हो तो आम तौर पर आखिरी लफ्ज बड़ी ए के साथ ही ख़त्म होता है। बच्चों को जो हम पहचान करवाएंगे उन्हें हम जमा की भी पहचान करवाएंगे कि बड़ी ये इस तरह से भी इस्तेमाल होता है और फिक्रे के आखिर में भी बड़ी ये कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे परिंदे उड़ रहे थे, इसमें दो तरह से बड़ी ये इस्तेमाल हुआ है। परिंदे जमा की सूरत में, एक परिंदा होगा तो अलिफ आ जाएगा, परिंदे ज़्यादा हैं तो बड़ी ये आ गया। उड़ रहे थे, फिक्रे के जो आखिरी दो अल्फाज हैं वो रहे थे, थे के अंदर भी बड़ी ये है, रहे में भी बड़ी ये। हमारे इमदादी अफ़ाल में बड़ी ये इस्तेमाल होती है, ये उसका सबसे अहम रुकन है। इसके अलावा जमा करने के लिए भी बड़ी ये का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को दोनों तरीक़ों से हम समझाएंगे और दोनों तरीक़ों से ही बताएंगे। हाँ, उनको मश्क करवाने के लिए या उनको इस बात को याद करवाने के लिए ये हम कह सकते हैं कि आप तमाम वो जो सिंगल अल्फाज हैं, वाहिद हैं, जो जैसे अंडा है, कपड़ा है, जूता है, इसको हम जब जमा बनाएंगे तो बनाकर ज़रा देखें, अंडे बड़ी ये आ गया, जूता से जूते बड़ी ये आ गया, कपड़ा से कपड़े बड़ी ये आ गया, परिंदा से परिंदे बड़ी ये आ गया। इसी तरह से इमदादी अफ़ाल में ये कि रहे थे, रहा है, और बहुत सारे और अल्फाज, चला रहा है, यानी आखिर के जो आखिरी फेल वाला हर्फ है उसमें भी बड़ी ये आ रहा है, थे में, है में, और इस तरह के बहुत से ऐसे अल्फाज जो इमदादी अफ़ाल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। बच्चों को पहचान हमने यही करानी है कि ये बड़ी ये जो है ये ऐसे लंबी हमारी लाइन की सूरत है। तो ये तमाम बातें आप उनको आराम से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बताएं, ताकि उनको अच्छी तरह से याद हो जाए। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर तमाम रिसोर्सेज आपको दस्तियाब होंगे जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।